आज लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश में बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए आपका अपने अपने घर से निकलकर आना इस बात का संकेत है कि ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आज वाला जो फंक्शन है, समागम है, होना नहीं चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी अगर भाजपा की नीयत साफ होती। आपने देखा 30 जनवरी को, दो दिन पहले, कैसे चंडीगढ़ में वीडियो के सामने एक आदमी आम आदमी की वोटों को काट रहा है और पता नहीं कौन सी वोटों को बीजेपी के बक्से में रख रहा है। पता नहीं क्या गलती होगी बीजेपी से, इनकी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ वरना वीडियो बंद करवा देते ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरे पे पहली बार आया है। करते तो पहले से ही रहे हैं, एमसीडी में भी किया है साथ दिल्ली में। तो आज आपका इस भारी संख्या में यहां पहुंचना इस बात का संकेत है कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि जब देश में, भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था, लोकतंत्र आखिरी सांस पर था, तब उसको ऑक्सीजन देने के लिए कहां इकट्ठ हुआ था, तो सही आंसर होगा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने जो लोग आए थे वो लोकतंत्र को बचाने आए। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश में बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए आपका अपने अपने घर से निकलकर आना इस बात का संकेत है कि ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आज वाला जो फंक्शन है, समागम है, होना नहीं चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी अगर भाजपा की नीयत साफ होती। आपने देखा 30 जनवरी को, दो दिन पहले, कैसे चंडीगढ़ में वीडियो के सामने एक आदमी आम आदमी की वोटों को काट रहा है और पता नहीं कौन सी वोटों को बीजेपी के बक्से में रख रहा है। पता नहीं क्या गलती होगी बीजेपी से, इनकी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ वरना वीडियो बंद करवा देते ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरे पे पहली बार आया है। करते तो पहले से ही रहे हैं, एमसीडी में भी किया है साथ दिल्ली में। तो आज आपका इस भारी संख्या में यहां पहुंचना इस बात का संकेत है कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि जब देश में, भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था, लोकतंत्र आखिरी सांस पर था, तब उसको ऑक्सीजन देने के लिए कहां इकट्ठ हुआ था, तो सही आंसर होगा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने जो लोग आए थे वो लोकतंत्र को बचाने आए। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश में बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए आपका
अपने अपने घर से निकलकर आना इस बात का संकेत है कि ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आज वाला जो फंक्शन है समागम होना नहीं चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी अगर भाजपा की नीयत साफ होती। आपने देखा 30 जनवरी को, दो दिन पहले, कैसे चंडीगढ़ में वीडियो के सामने एक आदमी आम आदमी की वोटों को काट रहा है और पता नहीं कौन सी वोटों को बीजेपी के बक्से में रख रहा है। पता नहीं क्या गलती होगी बीजेपी से, इनकी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ वरना वीडियो बंद करवा देते ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरे पे पहली बार आया है। करते तो पहले से ही रहे हैं, एमसीडी में भी किया है साथ दिल्ली में। तो आज आपका इस भारी संख्या में यहां पहुंचना इस बात का संकेत है कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि जब देश में, भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था, लोकतंत्र आखिरी सांस पर था, तब उसको ऑक्सीजन देने के लिए कहां इकट्ठ हुआ था, तो सही आंसर होगा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने जो लोग आए थे वो लोकतंत्र को बचाने आए। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश में बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए आपका अपने अपने घर से निकलकर आना इस बात का संकेत है कि ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आज वाला जो फंक्शन है समागम होना नहीं चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी अगर भाजपा की नीयत साफ होती। आपने देखा 30 जनवरी को, दो दिन पहले, कैसे चंडीगढ़ में वीडियो के सामने एक आदमी आम आदमी की वोटों को काट रहा है और पता नहीं कौन सी वोटों को बीजेपी के बक्से में रख रहा है। पता नहीं क्या गलती होगी बीजेपी से, इनकी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ वरना वीडियो बंद करवा देते ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरे पे पहली बार आया है। करते तो पहले से ही रहे हैं, एमसीडी में भी किया है साथ दिल्ली में। तो आज आपका इस भारी संख्या में यहां पहुंचना इस बात का संकेत है कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि जब देश में, भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था, लोकतंत्र आखिरी सांस पर था, तब उसको ऑक्सीजन देने के लिए कहां इकट्ठ हुआ था, तो सही आंसर होगा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने जो लोग आए थे वो लोकतंत्र को बचाने आए। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।